लखनऊ में चंद्र दर्शन के अनुसार 10 अप्रैल या 11 अप्रैल को ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जाएगा। इसमें लखनऊ कमिश्नरेट में 1000 से अधिक मस्जिदों ईदगाहों पर नमाज अदा की जाएगी। इसमें मुख्य रूप से टीले वाली मस्जिद, बड़ा इमामबाड़ा, ऐशबाग ईदगाह शामिल हैं। इसके लिए पुलिस द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं, पूरी मुस्तैदी के साथ इसमें ड्यूटियाँ दी जाएंगी। इसके लिए ड्यूटी के प्रबंध के लिए लगभग 6 राजपत्रित अधिकारी, इसके साथ ही करीब 4 कंपनी PAC, 2 कंपनी RRF और 4 कंपनी अर्धसैनिक बल भी तैनात किए जाएंगे। लगातार QRTs, घुड़सवार पुलिस भी तैनात रहेगी, मूवमेंट पर रहेगी। इसके अतिरिक्त 112 की जो PRV गाड़ियां हैं उनको भी चेंज करके ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, ताकि इस त्यौहार के मद्देनज़र बेहतर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। ड्रोन कैमरों के माध्यम से लगातार निगरानी होती रहेगी। मोबाइल ड्रोन व्हीकल, जो कि लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट पहला कमिश्नरेट है, पहला जनपद है उत्तर प्रदेश में जिसके द्वारा मोबाइल ड्रोन व्हीकल का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका भी इस्तेमाल ईद उल फितर के दौरान भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया पर हम लगातार नज़र बनाए रखेंगे। कोई भी अफवाह किसी प्रकार की अगर फैलाने का प्रयास करता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही इस पूरी व्यवस्था के दौरान यातायात प्रबंधन उच्च कोटि का हो, उसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। यातायात डायवर्जन प्लान भी मीडिया में जारी कर दिया जाएगा। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ इस त्यौहार को सकुशल संपन्न कराया जाएगा।